की देना क्रॉस यात्रा निकली है। इस यात्रा को पूरे प्रदेश में कोने कोने में बहुत बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। अपना लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। जो सगात पेटियां भर जा रही है, मैं यही कहना चाहूंगा कि गहलोत जी अपनी कुर्सी बचाने के खेल में जनता किस प्रकार से पिस रही है, युवाओं में जिस प्रकार से रोष है, महिलाओं में जिस प्रकार से निराशा है और किसान की जिस प्रकार से बदहाली है, यह सब मिलकर के इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी की 3/2 बहुमत के साथ सरकार बनेगी। सभी की सभी विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जो कांग्रेस के मंत्री ने कहा था कि इतने भी विधायक नहीं भी जीतेंगे कांग्रेस के जो एक फॉर्च्यूनर में आ सके, तो मैं यार जनता के तरफ से कहना चाहूंगा, जो जनता का मूड है, जनता का जो गुस्सा है, जनता का जो आक्रोश है, इस बार के विधानसभा में कांग्रेस के विधायक इतने कम आएंगे कि सचिवालय के लिए फॉर्च्यूनर भी नहीं भर पाएंगे। पिछले चुनाव में झूठ बोल करके किसान का कर्जा माफ करेंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, झूठ बोल करके सरकार सत्ता में कांग्रेस की आई है। ये झूठ बोल के जो सरकार में आई है, राजस्थान की जनता ने इस बात तय किया है कि यह कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस के मंत्रियों को, कांग्रेस के विधायक। हाँ सर बताइए, जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है भाजपा के द्वारा, क्या कहेंगे? यह जन आक्रोश यात्रा जन भागीदारी और जन संपर्क का कार्यक्रम है। जनता के मन में आक्रोश है। यह पत्रक एक एक व्यक्तियों को देने का काम हो रहा है और सब ने संकल्प ले रहे हैं कि इस गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस जन विरोधी सरकार, कुशासन वाली सरकार, युवा विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार और किसानों की हालत बदहाल है, उसके लिए यही गहलोत सरकार, कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। राजस्थान के अंदर की सड़कें टूटी हुई हैं और मैंने सुना है कि अशोक गहलोत जी राहुल गांधी की भारत यात्रा के लिए इटालियन सड़कें बनवा रहे हैं। गहलोत जी, पूरे राजस्थान की चिंता करो, केवल भारत जोड़ो यात्रा में सड़कें का इस प्रकार से बनवाना, इटालियन सड़कें जैसे दिखाना, तो यह तो 5% का 1% भी सड़कों का आप काम नहीं कर रहे हैं। जनता को बहुत अपेक्षा है, जो वादा करके सरकार आई उस वादों का पूरा करना चाहिए, नहीं तो धोखे में आई हुई सरकार को राजस्थान की जनता धक्का देने के लिए तैयार है और इस बार ऐसी धक्का देगी कि 20-25 साल तक कांग्रेस कभी भी उठ के नहीं खड़ी हो पाएगी।